आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बनाने जा रहे हैं, जो कि आप फास्ट में भी खा सकते हैं। ये हमने एक कटोरी से थोड़ा सा कम कुट्टू का आटा लिया है और ये दो आलू हमने छीलकर काट लिए हैं और दो हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा नमक। एक पैन रख दिया हमने और इसमें ऑयल डाल देते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म होता है, जब तक हम आलूओं में ये आलू डाल दिए हमने, इसमें हम ये आटा ऐड कर देते हैं, ये धनिया ऐड कर दिया, ये काली मिर्च, ये हरी मिर्च और ये नमक। अब हम इन सबको मिला लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं, करीबन 2-3 चम्मच हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अभी हम देखते हैं पानी और डलेगा क्या। हमने इसके अंदर 2 चम्मच पानी और ऐड किया है। अब हम इसको सब मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे हमारे मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। देखिए हमारा मिश्रण ऐसा हो जाना चाहिए। आप ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो पतला हो जाएगा घोल। और आप बिना उपवास के भी खा सकते हैं। यदि बिना उपवास के आप बनाते हैं तो इसमें आप और मसाले भी यूज कर सकते हैं। जो आप चाहें सो मसाला डालिए और पकौड़ियों का आनंद लीजिए। आलू हमारे पूरी तरह से आटे में मिक्स हो गए हैं। अब हम पकौड़ियाँ डालना शुरू करते हैं। ये देखिए, ऐसे करके आप थोड़ी 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 आराम से डाल दीजिए। आप जब भी बनाएं अपने घर में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी पकौड़ियाँ। आप धीरे धीरे इनको पलट लीजिए, इस तरह से करके आप सबको पलट दीजिए। आप इन पकौड़ियों को दही से, हरी चटनी से, किसी से भी खा सकते हैं। और आप यदि व्रत में यूज कर खाते हैं तो आप सेंधा ही नमक यूज करें, क्योंकि मैं सेंधा ही नमक खाती हूँ, तो इसलिए मैंने सेंधा ही नमक डाला था। अब ये पकौड़ियाँ हमारी सिक चुकी हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब हमारी पकौड़ियाँ खाने के लिए तैयार हैं। आप भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो आप लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।